हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमृति भाषा मिला। आज के वीडियो में हम ये ड्रेस बनाएंगे। हमने ये ड्रेस वेस्ट मटेरियल से बनाई है। ये देखिए, हमने यहाँ पे मल्टी कलर में फैब्रिक यूज किया है। आपके पास जो भी फैब्रिक हो, आप यूज़ करके ये ड्रेस आसानी से बना सकते हैं। इसमें हमने ना कोई लेस यूज़ की है, ना ही बुकरम यूज़ की है। इसे बनाना बहुत ही ईजी है गाइज। हमने ये ड्रेस इस मेज़रमेंट चार्ट की हेल्प से बनाई है। यहाँ पे हमने 0 से लेकर 10 नंबर तक के कान्हा जी का मेज़रमेंट दिया हुआ है। आप ये ड्रेस 0 से लेकर 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए आराम से बना सकते हैं। इस मेज़रमेंट चार्ट की फ़ोटो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी गाइस। अगर आपने मुझे अभी तक वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ जाके मुझे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है amritifashionvilla50। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं। तो 2 नंबर के लिए घेर के लिए देखिए, हमने लंबाई 30 इंच और चौड़ाई हमने 4 इंच लिखी है। लेकिन हमें यहाँ पर 4 इंच नहीं कट करना है, हमें 3.5 इंच ही कट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर नेट का फैब्रिक लिया है। इसे हम एक साइड से फोल्ड करके नहीं सिलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच कम लिया हुआ है। ऐसे आपको सभी नंबर के कानाजी में करना है, 1/2 1/2 इंच कम लेना है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे हम ऐसे प्लेट डालेंगे। इसके ऊपर हमें छोटी छोटी प्लेट डालनी है एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ाते हुए। तो चलिए हम प्लेट डाल के सिल लेते हैं। ऊपर से हमने इसे सिल लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम कमर मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा 4.5 इंच आ रहा है और यहाँ पर 2 नंबर के कान्हा जी की कमर हमने 4.5 इंच लिखी हुई है। अब यहाँ से हम ऐसे कमर को ज्वाइंट कर देंगे, ऐसे करके यहाँ पे एक पिन कर लेते हैं। अब इसमें हमें नीचे से सिलाई लगानी है। ये जो हमारी ऊपर से प्लेट बनती हुई आ रही है, इसे हमें ऐसे ऐसे दबाना है और सिलाई लगाते जाना है। हमें ध्यान देना है कि हमारा ये पूरा राउंड शेप में रहे। तो चलिए हम नीचे से सिलाई लगा लेते हैं। हमें बहुत छोटी सिलाई करके लगानी है। अगर हम बड़ी सिलाई करके लगाएंगे तो हमारा प्रॉपर गोल शेप नहीं आएगा। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। हमने इसे सिल लिया। अब हमने ये देखिए कॉटन में अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे और पूरे राउंड पर सिलाई लगा लेंगे। हमने इसे सिल दिया है। हमने देखिए यहाँ यहाँ से भी सिलाई लगा ली है और ये राउंड पे भी लगा ली है। ये देखिए यहाँ से ऐसे सिलाई लगाई है पूरा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब हम इसे कट करेंगे। अब हमने ये ब्लू कलर में रिबन लिया हुआ है, इसे हम लगाएंगे इसके ऊपर। देखिए हमें ऐसे करके लॉक करना है इसे, ऐसे, और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, ये पूरे राउंड पे लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं। हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। अब हमें ये डिज़ाइंस बनानी है, ऐसे डिज़ाइन। इसके लिए हमने मल्टी कलर में फैब्रिक लिया हुआ है। आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने कॉटन लिया है, ये क्रेप है, ये टपेटा सिल्क है, ये हमने सेंटून लिया है, ये शॉटन लिया है। आपके पास जो भी फैब्रिक हो आप यूज़ करें। हमने यहाँ पे देखिए 6.5 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया था। इसे ऐसे फोल्ड करके प्रेस लगा दिया इस पर अच्छे से। और हमें क्या करना है, यहाँ से हम प्लेट डालेंगे। हमें छोटी छोटी प्लेट डालनी है। हमने इसके ऊपर दबा के थोड़ा सा प्रेस लगा लिया है। अब हम इसे सिलेंगे। हमें यहाँ नीचे से सिलना है। ये देखिए, ये हमारा बन गया है। अब इसे हम अपने ड्रेस के साथ लगाएंगे। हमने अपने ड्रेस को यहाँ से थोड़ा सा जॉइंट कर दिया है। हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे में लगाना है। ये देखिए लग गया। ऐसे ही हम बारी बारी सभी को लगाएंगे इसके ऊपर। हमें ये पूरे राउंड पे लगाना है। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने इसके ऊपर सारे डिजाइन्स लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर ये नग लगाएंगे।
हम इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगाएंगे। हमने इसके ऊपर नग लगा लिया। अब इसे हम सूखने के लिए रख देंगे और ऊपर की चोली कट करेंगे। चोली के लिए हमने यहाँ पे देखिए 1-1 इंच चौड़ी पट्टियाँ ली हुई हैं, हमने हर कलर में ली हुई हैं। अब इन्हें हम ऐसे सिलेंगे एक दूसरे के साथ ऐसे करके। तो चलिए हम इन सभी को इकट्ठा सिल लेते हैं। हमने इसे सिल लिया है, पर इसकी कटिंग के पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चोली हमने चौड़ाई सारी पॉइंट में लिखी हुई है, हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। अगर हम 1 इंच से 2 इंच के बीच में आते हैं तो यहाँ पे टोटल 7 डॉट हैं। ये जो हमारी फर्स्ट डॉट है यही होगा हमारा 1.1 इंच, और ये जो सेकंड डॉट है ये हो जाएगा हमारा 1.2 इंच। ऐसे ये 7 तक करके 1.7 इंच हो जाएगा। ये हमारा 1 इंच है ही। अब हम 0.7, 0.6, 0.5 को भी समझ लेते हैं। अगर हम 1 इंच से इधर आते हैं तो यहाँ पर भी टोटल 7 डॉट हैं। ये जो हमारी फिफ्थ डॉट है यही हो जाएगा हमारा 0.5 इंच। ये जो 6 डॉट है ये हो जाएगा हमारा 0.6 इंच, और ये जो 7 डॉट है वो हो जाएगा हमारा 0.7 इंच। अब देखिए 2 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें 9 इंच लंबा और 0.7 इंच चौड़ा फैब्रिक चाहिए। तो अगर हम 9 का आधा करते हैं तो ये हमारा 4.5 इंच हो जाएगा। ये देखिए हमें इसमें से तिरछी पट्टियाँ कट करनी है। ये हमारा 4.5 इंच आ रहा है। यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे 0.7 इंच का मार्क लगाएंगे। हमें 0.7 इंच चौड़ी पट्टियाँ चाहिए। अब सेम ऐसे ही हम एक पट्टी और कट कर लेंगे। ऊपर और नीचे से बराबर कर लेते हैं। अब हम इसे लॉक करेंगे। यहाँ से ऐसे रिबन रखेंगे और ऐसे सिलेंगे। हम इसे इधर से इधर से इधर से इधर से लॉक कर लेंगे। तो चलिए हम लॉक कर लेते हैं। हमने दोनों को सिल लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है। ऐसे करेंगे, यहाँ से एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे हम 1/2 इंच तक सिलाई लगा लेंगे जिससे ये दोनों जॉइंट हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं। हमने यहाँ से सिलाई लगा ली। अब इसे हम रिबन से लॉक करेंगे। हमें इतना रिबन छोड़ना है पहले, फिर देखिए इसके पीछे वाले हिस्से से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ऐसे लॉक करेंगे इसे, और यहाँ से लॉक करने के बाद इस वाले हिस्से को हम घुमाएंगे और यहाँ पे ले आएंगे। इसे भी हम इसके साथ ऐसे लॉक कर लेंगे। जब इसे भी हम लॉक कर लें तो फिर हम इसे घुमा लेंगे यहाँ पे और इसे लॉक कर लेंगे। फिर हम इतना छोड़ देंगे जिससे हम इसे बांध सकें। तो चलिए हम इतना काम कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे चोली बना के कंप्लीट कर ली। इसके ऊपर हमने देखिए कुछ नग भी लगा लिए हैं। अब ये ड्रेस हमारे देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। हमने यहाँ पर इस ड्रेस के मैचिंग का मुकुट भी बनाया हुआ है। इसे हमने कैसे बनाया हुआ है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब देखिए हम चोली को कैसे पहनाएंगे। ये देखिए यहाँ से ये दोनों हाथ में डालेंगे और इसे हम पीछे से बांध देंगे ऐसे करके। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।